हेलो एवरीवन, दिस इज़ टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा कोर्स। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, इफ एल्स स्टेटमेंट को का यूज़ करके आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चंस को दिया था। तो उन क्वेश्चंस आपसे अगर बन गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बने हैं तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आज बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब क्या करना है, हम जावा क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जावा क्लास क्रिएट करता हूँ, और क्लास का जो नेम है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्लास अंडरस्कोर 15, ठीक है। ये हमारी 15th है, तो यहाँ पर 15th क्लास दे दूंगा, और मैं एक्चुअली इसको 15 नहीं, यहाँ पर PS दे देता हूँ, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ऑल्ट एंटर करके मैं यहाँ पर रीनेम कर दूंगा इस क्लास को, और हमारी जो क्लास है वो रीनेम हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, तो मेन फंक्शन बना लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था, जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, टेक अ वैल्यू लेंथ एंड ब्रेथ एंड चेक इफ इट इज स्क्वायर और नॉट। आपको दो वैल्यूज को लेना थी, कोई दो वैल्यूज को आपको लेना थी, और वहां पर आपको चेक करना था कि जो वैल्यूज एंटर हुई हैं वो स्क्वायर की वैल्यूज हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले स्कैनर दूंगा, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा सिस्टम डॉट इन, ठीक है। S जो है वो कैपिटल होगा, इसलिए यहाँ पर कैपिटल S ले लेते हैं, और यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब क्या करना है, हमको दो वैल्यूज लेनी है, तो पहली वैल्यू कौन सी होगी, हमारी x होगी, और दूसरी वैल्यू हमारी y होगी। तो यहाँ पर int x equals to sc.nextint ले लेते हैं, इसको कर दिया क्लोज। फिर लेंगे int y equals to sc.next, यहाँ पर next int ले लेते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पर हमको x और y की वैल्यूज जब मिल जाएंगी, तब हम चेक कैसे करेंगे if or else की कंडीशन से, कि जो वैल्यू एंटर हुई है वो स्क्वायर की वैल्यू है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ लेते हैं, इफ, और यहाँ पर बोलेंगे एक्स इज इक्वल इक्वल्स टू वाई, जब हमारी एक्स और एक्स की और वाई की जो वैल्यूज हैं वो दोनों सेम होगी, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसलिए अगर हमारी जो दोनों वैल्यूज हैं वो इक्वल होंगी, तब जाकर के हमारा जो स्क्वायर होगा वैल्यू स्क्वायर की वैल्यूज होंगी, नहीं तो रेक्टेंगल की होंगी या फिर कुछ और होगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या कर देते हैं, साउट करता हूँ मैं, और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर देता हूँ स्क्वायर, सिंपली यहाँ पर स्क्वायर दे दिया। अब आ जाते हैं एल्स पर, और एल्स पर आने के बाद यहाँ पर अंदर देता हूँ मैं साउट, और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, सिंपली यहाँ पर दे दिया रेक्टेंगल, ठीक है। अब जब मैं कोड को रन करूँगा तो आप देखो क्या होता है, कोड हमारा रन हो चुका है। यहाँ पर मैं पहले देता हूँ 10 और फिर एंटर करते हैं 10। जब ये दोनों वैल्यूज को एंटर किया तो आप देखो ये जो वैल्यूज है ये हमारी स्क्वायर की है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जो है वो दोनों सेम है, इसलिए हमारे ये किसकी वैल्यू हो गई, स्क्वायर की। और जब मैं वापस से एक बार क्लास को रन करता हूँ, और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 5 और फिर एंटर करता हूँ 10, ठीक है, 5 और 10, और जब मैं एंटर करूँगा तो आप देखो हमारे पास वैल्यू क्या आई, रेक्टेंगल। आउटपुट में हमको क्या शो हुआ, रेक्टेंगल। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। ये टाइप से आप इफ और एल्स की कंडीशन से ये दोनों वैल्यूज को पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको याद हो, अगर नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो पे जाकर के देख सकते हो क्वेश्चंस क्या थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमको एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाना था, जहाँ पर यूजर मार्क्स को एंटर करेगा, और वो मार्क्स को एंटर करने के बाद कुछ वैल्यूज थी, जैसे 25 से 45 के बीच में ई ग्रेड था, 45 से 50 के बीच में डी ग्रेड था, 50 से 60 के बीच में सी था, 60 से 80 के बीच में बी था, और 80 से 100 तक के वालों के लिए ए था, ठीक है। और अगर इन तीनों में से कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी तो वहां पर हमको शो करवाना है नॉट करेक्ट मार्क्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर करते हैं इसको कमेंट आउट, यहाँ पर मैंने कमेंट आउट किया, यहाँ पर कर देते हैं क्लोज, ठीक है। इसके बाद दो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं, है ना, दो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिसमें से एक वैल्यू को मैं कर दूंगा कमेंट आउट, सिर्फ एक्स वाली जो वैल्यू है उसको मैं रखूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम यूज करेंगे इफ का और एल्स इफ का और एल्स का। यहाँ पर लेता हूँ मैं इफ, इफ लिया, और यहाँ पर अगर जो हमारा एक्स है वो स्मॉलर देन 25 है, तो वहाँ पर जो हमारा यूजर है वो फेल हो चुका है, भाई आप जो हो वो फेल हो गए हो। तो यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा देंगे एफ, ठीक है। फिर आएगा एल्स इफ,
else if के अंदर अगर वैल्यू, ठीक है यहाँ पर वापस से ब्रैकेट्स लेना पड़ेंगे, यहाँ पर अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 25 है, और फिर इसके बाद एंड का साइन लेंगे, क्योंकि हमारी ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर एंड का साइन यूज़ करें। और का साइन अगर एक कंडीशन में ही ट्रू पास करवाना था तो हम वहाँ पर और का साइन यूज़ करते, बट हम यहाँ पर एंड का साइन यूज़ करेंगे। और यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू नहीं लेंगे, यहाँ पर सिर्फ स्मॉलर देन लेंगे, यहाँ पर स्मॉलर देन 45 है अगर, तो क्या करो भाई, आपके जो ग्रेड है वो ई मिला है आपको, ठीक है, तो कैपिटल ई दे देते हैं। अब क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। अब 25 से 45 हो गया, अब यहाँ पर 45 कर दूँगा और 45 से 50 के बीच में, यहाँ पर कर देते हैं 50। अगर 45 से 50 के बीच में किसी के मार्क्स हैं तो उसको मिलेगा डी ग्रेड। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर अब क्या करना है, 50 से 60 के बीच में, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं 60। अगर 50 से 60 के बीच में किसी के मार्क्स हैं तो उसको ग्रेड कौन सा मिलेगा, सी। सिंपली यहाँ पर सी ग्रेड दे देते हैं। वापस नीचे आते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर 25 जो है वहाँ पर इसको चेंज करके मेरे को करना है 60, और यहाँ पर करना है 80। 60 से 80 के बीच में अगर किसी के मार्क्स हैं तो उसको मिलेंगे बी ग्रेड, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ई को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर कर दूंगा बी। अब बचे कौन कौन से, यहाँ पर वापस से पेस्ट किया पहले। अब 80 से 100 के बीच में अगर किसी के मार्क्स हैं तो कितना मिल जाएगा भाई आपको, ए, आपका ए ग्रेड होगा क्योंकि आप पास हो चुके हो। और फिर आएगी एल्स कंडीशन, यहाँ पर एल्स कंडीशन आएगी, और एल्स कंडीशन के अंदर हम क्या कर देंगे, साउट, और इसके अंदर हम डबल कोट्स में लिख देंगे नॉट करेक्ट मार्क्स, ठीक है। अगर कोई और अनदर वैल्यू आ जाती है जो हमारे इन रेंजेस के बीच में नहीं होती है तो वहाँ पर हमारी जो कंडीशन होगी वो एल्स होगी, और हमको जो आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा नॉट करेक्ट मार्क्स, ठीक है। क्लग कोड को रन करते हैं, कोड को रन किया, यहाँ पर मैं वैल्यू का एंटर करता हूँ। जैसे मैंने 50 किया तो 50 से 60 के बीच में कितना था, सी, तो हमको सी आउटपुट में मिला, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। वापस एक बार कोड को रन करता हूँ, अगर किसी को 10 मार्क्स मिले तो हमको क्या मिलेगा, फेल, भाई आप फेल हो गए हो। वापस कोड को रन करते हैं, अगर मेरे को 80 से 100 के बीच में ए है तो मेरे को अगर 85 मिलता है, सॉरी 50 नहीं 85 मिलता है तो मेरे को ए मिलेगा, तो मेरी जो रेंजेस हैं वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही हैं, ठीक है, कोड हमारा बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। आप अलग अलग वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हो और यहाँ पर चेक कर सकते हो सारी कंडीशंस को, ठीक है, क्योंकि हमारी दो कंडीशंस चल गई हैं तो बाकी कंडीशंस भी बिल्कुल सही से चल जाएंगी। और अगर वैसे तो हमारी सारी वैल्यूज़ हैं जो इन वैल्यूज़ के बीच में आ रही हैं, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम का ग्लिच होता है या कुछ भी होता है तो वहाँ पर हमारी जो एल्स कंडीशन काम आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर इसको मैं पूरा करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, इसको कमेंट आउट किया, नीचे आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, वाई की जो वैल्यू, मैं इसको कमेंट आउट अनकमेंट करता हूँ, ठीक है, कमेंट आउट था, अनकमेंट कर दिया। एक्स और वाई की जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने बोला था कि दो वैल्यूज़ हैं उनमें से पता लगाना है कि कौन सी वैल्यूज़ बड़ी है, विच वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, तो ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको लेता हूँ इफ़, यहाँ पर लूंगा मैं इफ एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो क्या करना है, हमारी जो कंडीशन है वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, अगर एक्स जो है वो वाई से बड़ा है तो साउट हो जाएगी हमारी ग्रेटर देन वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, और यहाँ पर स्पेस दे के प्लस का साइन देता हूँ और एक्स को प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। अब हमारी x is greater than y में हमने क्या बोला कि x की जो वैल्यू अगर वो y से बड़ी है तो हमारे क्या प्रिंट कर दो, ग्रेटर वैल्यू, और x की वैल्यू प्रिंट कर दो, नहीं तो चले जाओ आप एल्स में, और एल्स में जाने के बाद यहाँ पर कर दो, एक सेकेंड, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, ये पूरा कॉपी किया और यहाँ पर ला करके कर दूंगा मैं पेस्ट, ये हो गया, और यहाँ पर प्रिंट कर दो y को, ठीक है, अगर x छोटा है तो ऑब्वियसली y बड़ा होगा, तो यहाँ पर ये हो गया। अब कोड को रन करते हैं, पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है, कोड रन हो रहा है,
यहाँ पर आ गए। यहाँ पर देखो पहली वैल्यू मैं x जो है वो एंटर करता हूँ 10 और y एंटर करता हूँ 15। तो आप देखो आउटपुट में क्या मिला, ग्रेटेस्ट वैल्यू 15। वापस कोड को रन करते हैं, यहाँ पर दो वैल्यूज हैं और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, पहले करता हूँ 100 और फिर एंटर करूँगा 15। तो अब ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, 100। तो आउटपुट में देख लेते हैं, आउटपुट में क्या मिलता है, अरे शिट एंटर करना था, गलती हो गई, कोई नहीं, ठीक है। वापस से 100 एंटर किया, 50 एंटर किया और अब एंटर कर दिया, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 100, हमको आउटपुट में क्या मिल गया, 100, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारे दोनों फंक्शंस जो हैं वो काम करते हैं, तीनों जो प्रॉब्लम्स है वो हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में, स्विच स्टेटमेंट भी बहुत एक अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे स्विच के बारे में, होप्स आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। एक और क्वेश्चन था जिसमें हमको अपर केस और लोअर केस को फाइंड करना था, तो अपर केस कैसे फाइंड करेंगे और लोअर केस कैसे फाइंड करना है, तो वो चीज़ हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। वो पहले आप उसको अपने आप से सॉल्व करो, नहीं मिलता है तो ज़रूर बताना, उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ट्राई करो कि आपसे वो बन जाए खुद से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में, तो वीडियो को एंड करते हैं। होप्स आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुए होंगे। मिलते वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।